नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और आज बात करेंगे पत्रकारिता की ही। दो पत्रकार बैठ के बात करेंगे पत्रकारिता की। एक पत्रकार सज्जन महोदय प्लेन में एक कॉमेडियन को मिल गए, तो कॉमेडियन ने उनका वीडियो बनाया और वीडियो में कुछ सवाल दागे। सवाल के जवाब पत्रकार महोदय नहीं दिए क्योंकि वो कनखुसना लगाए थे और कनखुसना में कुछ देख रहे थे। वो बहुत हीट डिबेट उनकी आती है रात्रि 9 बजे, इंडिया वांट्स नाउ एंड फलाना ढेगामा। अब जवाब नहीं दे पाए लेकिन कॉमेडियन महोदय पे एयरलाइंस जो है उसने जुर्माना नहीं बोलेंगे, सजा दे दी कि भैया 6 महीने तक आप उड़ नहीं सकते। अब 6 महीने तक उड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया, तो उन्होंने भी एक ट्वीट डाल दिया कि मोदी जी आपने तो एयरलाइंस को बेच दिया, ऐसा वो कह रहे हैं कामरा जी। तो थोड़ा सा क्या घटना है, कुछ आपने स्टडी करी हो तो दर्शकों को हमारे बताइए, बड़ी दिलचस्प घटना है। दरअसल ये बात कल ही ये वीडियो आया वायरल, ऐसा लग रहा है कहानी बता रहे हैं आप कोई। नहीं नहीं, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं हल्का समा बांध रहा हूँ ताकि लोग बांधिए लोग समा देखना चाह रहे हैं। हाँ। कैसा समा लग रहा है? तो वो समा जो है इंडिगो के फ्लाइट में बांधा गया। अच्छा। जहाँ पर कुणाल कामरा साहब साहब, हाँ अभी मैं साहब, अब समझिए कि ये तंज, मुझे लगा कोई शायर वायर है क्या, साहब अब बोलना पड़ता है। तो वो गए हुए थे सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कह लें, सौभाग्यवश कुणाल, सौभाग्यवश भाई मैं तो सौभाग्यवश कहूँगा क्योंकि ससुरा ऊपर से लेकर नीचे तक 4 ट्रेन में कुणाल कामरा ही नजर आ रहे थे, सौभाग्यवश हो गया। तो ये दुर्भाग्यवश अर्नव के लिए हो सकता है, इसलिए मैंने सौभाग्यवश और दुर्भाग्यवश दोनों कहा। अब कुणाल कामरा कुछ सवाल पूछ रहे थे उनसे और सवाल पूछने का तरीका भी आप देखिए कुणाल कामरा का, वो मतलब एक होता है ना सरकास्टिक वे में, सरकास्टिक वे में मैं आपकी बड़ाई भी कर लूं और मैं अपनी बात भी कह लूं और वो तो कॉमेडियन है ही। तो उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, जिसपे अर्नब साहब कुछ बोल नहीं रहे थे, वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो सुन नहीं रहे। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अगर कोई सामने वाला आपके बारे में बात अगर कर रहा हो तो आप ना चाहते हुए भी उसे सुनते हैं। और मैं एक लाइन जोड़ देता हूं कि काका बोल रहे होंगे और काका सुन रहे होंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन ठीक है वीडियो मौजूद है और ये कुणाल कामरा जी की वेबसाइट से ही, वेबसाइट नहीं ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो देख भेज रहे हैं आपको, तो ये पहले वीडियो देख लीजिए। बैठे हुए शख्स जो हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं अंग्रेजी भाषा के और एडिटर इन चीफ हैं, काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, मतलब अगर आप इनके चैनल में काम करेंगे तो काफ़ी लकीली अपने आप को आप भी बड़ा पत्रकार समझेंगे। तो पहले वीडियो देखिए और वीडियो पहले देख लीजिए। Coward Arnab Goswami a questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do, is being a coward. First he called me mentally unstable and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, whose caste you are discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. Go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote so that you have some emotion or some heart or you just become human. Just become human. Do that in your free time. You nationalist. तो ये वीडियो देख लिया आपने? वीडियो देखकर लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या क्या माजरा हुआ। लेकिन मीर आज भी सबसे बुनियादी सवाल है
कि जो युवा पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो वो किस मिरर को देखकर आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई ये पत्रकारिता में ये पक्षकारिता कब से आ गया, ये पक्षों की कारिता कब से बन गई? क्या यही सपना गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने देखा था? क्या यही सपना मखनलाल चतुर्वेदी जी ने देखा था? क्या यही सपना दिनकर ने देखा था? तो ये क्या हो रहा है, मतलब धड़ा बनता गया है, एक धड़ा कुछ और है, दूसरा धड़ा कुछ और है, है? तुम अपने पे कुछ और दिखा लो, हम तो अपने पे कुछ और दिखा लेंगे, तो ये क्या हो गया है? मतलब ये बिल्कुल सही सवाल आपने किया है विवेक जी, इसका जवाब सिर्फ आपको धरातल पर जाकर ही मिल सकता है। अगर आप देखें तो आज पत्रकारिता ब्रांड की तरह चलने लगा है, आज एंकर भी खुद को स्टार समझने लगा है, वो भी जिम में जाता है, पसीना बहाता है, ठीक है, सही है, लेकिन आप ये स्टार कल्चर मीडिया में भी आने लगा है। अगर आज आप पूछिए कोई नौजवान से, आप मुझसे ही पूछ लीजिए, और आप मुझसे पूछिए कि मेरा आइडियल कौन है, तो मैं गणेश विद्यार्थी का नाम शायद नहीं लूँ। अच्छा, शायद ऐसा क्यों? मैं बता, क्योंकि किताब तो आप उन्हीं की पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे, क्योंकि हुआ क्या है कि अब आपको उन महानुभावों से आपको हटा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप एक्सपोज किससे हो रहे हैं, तो आप आज तक से एक्सपोज हो रहे हैं, एनडीटीवी से एक्सपोज हो रहे हैं, और आप एक्सपोज हो रहे हैं टाइम्स नाउ से, रिपब्लिक भारत से, और वहाँ आपको वही चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिनका नाम है। तो निश्चित सी बात है, कोई भी इंसान जो होता है वो बड़े आदमी से इंस्पायर होता है, छोटे से होना बड़ा कमतर होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं ऐसे कमतर भी नहीं आता, क्योंकि आपने बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मीडिया धड़े में बट गया है, पार्टीवार मीडिया हो गया है, मतलब आज की डेट में कोई चैनल खोलिए तो पहले से मानसिकता तय रहती है कि आपको यही देखने को मिलेगा, अच्छा ये देख रहे हो यहाँ यही मिलेगा, अच्छा ये देख रहे हो, तो इससे मीडिया कैसे उभर सकता है? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आज का छात्र ये नहीं जानेगा कि भाई इस बायसनेस से कैसे बचा जाए, मतलब बायसनेस सिर्फ वो नहीं होती कि आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हो, बायसनेस वो भी होती है जब आप टोटली केवल और केवल विपक्ष की ही वो भाषा बोलने लगे। मतलब विपक्ष दयालु हो गया क्या भाई? विपक्ष भी तो कभी सरकार थी, ये वाली बात है। सबसे पहली बात तो हमें कोर जर्नलिज्म को समझना पड़ेगा। कोर जर्नलिज्म क्या कहता है कि अगर कोई प्रेजेंटर है, एंकर है या पत्रकार है, तो उसे अपना ओपिनियन नहीं बनाना होता है कि हम किस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखिएगा कोई भी चैनल, जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ कहाँ बात कर रहे हैं, तो वो ओपिनियन बना रहे हैं, तो ये ओपिनियन सेट कर देते हैं, सेट्स कर रहे हैं। जब तक नैरेटिव सेट करना मीडिया नहीं भूलेगा, तब तक मीडिया और कुछ चैनलों का तो मैंने बकायदा टाइटल तक दिखा है, वो लिखा रहता है एजेंडा। अरे भाई माफ कीजिएगा, न्यूज चैनल में एजेंडा कब से आने लगा? कुछ चैनलों के स्लोगन आप पढ़िएगा, आपको एजेंडा नजर आएगा। आप देखिए, एक तरीके से देखिए, अगर प्रमुख चैनलों के अगर प्राइम टाइम शो आप देख रहे हैं, तो उसका आप हेडलाइन देखिएगा या टैगलाइन देखिए, उस टैगलाइन में इस बात को साबित कर दिया जाता है कि फलाना आदमी फलाना है। और मैं बिल्कुल आपकी बात में जोड़ते हुए एक बार बता रहा हूँ आपको दोस्तों, बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक मैंने इंटरनेशनल मीडिया का एक वीडियो देखा था जिसमें वो भारतीय मीडिया को डिफाइन कर रही हैं वो मैडम। मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो भी आप तक पहुँचाऊँ, इस लिंक में आपको मैं यूट्यूब की लिंक में वो वीडियो भेजूँगा। तो वो मैडम डिफाइन कर रही हैं, बता रही हैं कि भारत में खबरें किस तरीके से प्लांट की जाती है, मतलब जो नहीं होता है वो दिखाया जाता है और जो होता है वो छिपाया जाता है। ये काम मीडिया का है क्या? और ये काम अगर ये मीडिया कर रही है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो इन्हें बायस ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? प्री प्रोपोगेंडा के जरिए आप सिर्फ पैसा लेके खबरें चलाइएगा तो आप, और आप अपने आप को सत्य और निष्पक्षी खबरों का देवता बनाएं। अरे जूता मारना चाहिए आपको तो सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन ये भोली वाली जनता को समझ में क्यों नहीं आता? जनता क्यों भ्रमित हो जाती है? जनता को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस ने मीडिया को माफिया में तब्दील कर दिया है? ये मीडिया अब वो मीडिया नहीं रहा जिसने अंग्रेजों को धूल चटा के इस देश से भगा दिया था। ये रेवोल्यूशन मीडिया वाला मीडिया नहीं रहा, अब ये मीडिया हो गया कॉरपोरेट वाला मीडिया। इसे खाने के लिए चाहिए भर भर के पैसा, और इसके एंकरों के चेहरे पर जो तेज है वो उसी पैसे से आ रहा है। तो ये बिकाऊ नहीं है तो क्या हुआ? ये दलाल नहीं है तो क्या हुआ? बिल्कुल सही। इसे और क्योंकि आज का जो छात्र है वो इसको समझ के ही तो अगले स्टेप में जाएगा। वो तो समझेगा कि भैया ऑडी कार से उतरना ही रिपोर्टिंग होती है, वो कैसे समझेगा अच्छी रिपोर्टिंग?
जैसे माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं अपने संतुलन में काबू नहीं रख पाया था, लेकिन जब कोई हम चीजें समाज में इस तरह की देखते हैं तो अंदर से क्रोध आता है, एक आवेश आता है। और ये आवेश इसीलिए है क्योंकि भारत में जो अव्यवस्था का आलम पैदा कर रखा है वो मीडिया ने भी पैदा करा है। वो गरीबों की चीज नहीं दिखाता, वो किसानों की चीज क्यों नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा और आपको सिर्फ पैसे लेके क्यों दिखा रहा है, इसको सोचिए और समझिए। ये एक जहर है जो आपके दिमाग में धीरे 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 पोषित कर दिया गया है। बहरहाल मिहिर आप बताएंगे इसी चीज़ को नेक्स्ट स्टेप से। सिंपल सी बात है कि जो बात आपने कहा, आप ही के बात को मैं बता रहा हूँ कि कॉरपोरेट हाउस, कॉरपोरेट हाउस में अगर आप देखिएगा तो मनी फ्यूल करता है चीज़ें को। मनी फ्यूल क्या होता है, थोड़ा सा इसको हिंदी भाषा में समझाइए। मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि अगर जैसे हम लोग, मेरी जो जीविका है वो खाने पीने पर आश्रित है, पानी चाहिए, भोजन, दो वक्त का भोजन चाहिए, तब मैं जाके खड़ा रह सकता हूँ। अब एक आपने ऑफिस खोला तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, वो संसाधन कहाँ से आएगा, पैसा चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि वही जो आपने बोला कि ऑडी कार को आज आवश्यकता बना दिया गया है। मैंने इंटरव्यू में, मैं भी बैठा हूँ जाके, और मैं स्वयं जो है बड़े मीडिया में काम, मैंने इंटर्नशिप करी है और उसके बाद हम, तो मैंने सवाल जवाब में ये बोला, सर मैं फेम चाहता हूँ। भाई एवरीवन नोज दैट व्हाट इज़ द फेम, और ठीक है फेमस होना एक अच्छी बात है, बट अगर कोई ये कहे कि सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, और इस चीज को बात मैं कहना चाहूंगा, जब तक एक पत्रकार ब्लू टिक के पीछे भागना नहीं छोड़ेगा तब तक सच्ची पत्रकारिता वो नहीं कर सकता है। ब्लू टिक मतलब इसको सोशल, आपने वो फेम से ही मैंने जोड़ा। आप ट्विटर पे जाइए आपको ब्लू टिक मिलता है, इंस्टाग्राम पे जाइए वहाँ पे ब्लू टिक मिलता है, फेसबुक पे आप जाइए आपका पेज में एड्स आने लगते हैं। वो तब कब आता है, जब आप फेम के करीब होते हैं। तो ये एक मतलब जो लिप्सा इसको कहेंगे, लिप्सा आप कहेंगे, वो खबरों के प्रति ना होकर दिखावे के प्रति ज्यादा हो रही है। तो इसी को हम प्रोपेगेंडा के तहत, इन शब्दों में हम बताते हैं कि भैया ये प्रोपेगेंडा है, इससे कैसे बचा जाए, मतलब कैसे बच सकता है इससे पत्रकार, क्योंकि लिप्सा तो किसी को भी भाई मतलब लालच से कैसे वो दूर हो और कैसे वो सॉफ्ट केवल पत्रकारिता ही करे, जनता की पत्रकारिता कैसे करेगा वो। सबसे सिंपल सी बात है कि जब तक, जैसे एक टीचर है उसके लिए कार आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अगर उसके पास अगर एक कार है तो वो उसकी विलासिता है। बिल्कुल ठीक उसी पर बेसिक नीड भी तो हो सकती है, बेसिक नीड्स हो सकती है, मेरा मतलब कहने का मतलब एक अलग बात है, मैं इसे समझा रहा हूँ। और अगर एक पत्रकार है ठीक है, तो उसके लिए मेरा बेसिक चीज होना चाहिए कि मैं खबरों को बताऊँ। ये आपने बिल्कुल ही सही जवाब मिहिर ने दिया है कि खबरों के प्रति जागरूक ना होकर प्रोपेगेंडा के प्रति जागरूक क्यों हो रहे हैं, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनल कॉल लेना चाहूँगा मिहिर आपसे, क्या आपको क्या भविष्य दिखता है, ये जो नई पीढ़ी की पत्रकारिता है, स्वयं अपने जो पीढ़ी के जो पत्रकार है, क्या इस चीज़ को समझ पाएंगे, या वो भी लालच के दलदल में, मैं कहूँगा बिल्कुल इसी तरह से डूबते रहेंगे कि यार अपना काम बनता है, डैश डैश डैश। सिंपल सी बात है, इसमें सहयोग दोनों तरफ से होना जरूरी है। दोनों तरफ से कहने का मतलब है कि अगर आप सच्चाई दिखा रहे हैं तो आपको देखने वाला वो दर्शक भी होना चाहिए, और आपको दर्शकों से वो सहयोग मिलना चाहिए, तब जा करके आप स्टैंड करोगे खड़ा। आपकी बात 100% सही है, और होना भी यही चाहिए कि ये जो मीडिया है, जैसे आप न्यूज़ चैनल, जैसे आप वेबसाइट पोर्टल समाचार पत्र के माध्यम से देखते पढ़ते और सुनते हैं, इस मीडिया का जो दायित्व है, इस मीडिया का जो स्वामित्व है, अगर ये जनता के हाथ में आ जाएगा, अगर जनता एज ए चैरिटीज वाइज इसको न केवल बढ़ावा देना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि ये जो सरकार, कॉरपोरेट और ये तमाम बड़े बड़े जो संस्थान हैं, आपको कुछ भी दिखा देते हैं और आपको मजबूरी बस देखना पड़ता है, तो कई फीसदी आप इससे बच पाएंगे। बहरहाल आज के जो मीडिया में भ्रष्टाचार आ गया है, जो मीडिया में माफिया आ गया है, इससे संबंधित अगर आपको कोई अन्य सवाल भी करने हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए, और अपनी पीड़ा अवश्य बताइएगा कि मीडिया आपके किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, आपकी सच्चाई का गला घोटता हुआ ये मीडिया आपको कैसा दिखाई देता है।